अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एसबी फैक्ट। तो भाई कैसे हैं आप लोग, एक मर्तबा फिर आपका भाई आ गया आज एक नई वॉच लेके। और आज हम इस वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने जा रहे हैं भाई। WS68 अल्ट्रा मॉडल है ये, लाउड स्पीकर इसके अंदर दिया गया है। तो आज हम इसमें कस्टमाइज डिस्प्ले भी लगाएंगे हमारा, और मैं आपको इसका साउंड भी सुनाऊंगा ये वॉच कैसा साउंड है इसका, लाउड स्पीकर है कि भी नहीं है भाई इसके अंदर बोल रहे हैं। तो भाई वॉच मेरे पास मौजूद है, मैं आपको वॉच दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं वॉच, बड़ी इसका स्मूथ डिस्प्ले है, और अल्ट्रा वॉचेस में चीप प्राइस के अंदर बड़ी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इसके फंक्शन मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले ऑप्शन दिया गया है, सिरी का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, इसके अलावा लॉक का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे बहुत सारे मेन्यू स्टाइल दिए गए हैं। तो भाई यहाँ से आप इसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास मैनुअल बुक भी दी गई है, यहाँ पे जाके भी आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस वॉच की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल एसबी फिट पे मैंने इसकी ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बताई हुई है डिटेलिंग के हवाले से, लेकिन आज हम इस वॉच को अपने फ़ोन से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हम अपना फ़ोन ले लेते हैं, और फ़ोन लेने के बाद इसमें हम इसके कैमरे में चले जाते हैं। तो यहाँ से हम इसका QR स्कैन करेंगे। ये हमारे पास QR स्कैन दिया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, एप्पल स्टोर, गूगल स्टोर, कहाँ पे अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो गूगल प्ले से करेंगे, वरना एप्पल स्टोर से करेंगे। मैं एप्पल स्टोर से करने जा रहा हूँ इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड। अच्छा, एप्लीकेशन जो है इसकी एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है अपने फ़ोन के अंदर, तो आप लोग को दिखाने का मकसद यही था कि आप लोग इस तरीके से जाके QR से इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप इसके एप्लीकेशन को ऑन कर लेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपकी वॉच जो है यहाँ पे आके जब आप अपना मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे तो यहाँ से आपकी वॉच कनेक्ट हो जाएगी। जैसे कि ये मुझे अभी बता रहा है वॉच की जो बैटरी है वो तकरीबन 84% इसकी बैटरी है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं इसका डायल चेंज करके। आप लोगों को डायल चेंज करने में बहुत मुश्किल होती है, लोग बोलते हैं यार इसके अंदर आप बोल देते हैं कि डिस्प्ले ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिस्प्ले ऐड नहीं हो रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसके डिस्प्लेस दिखा देता हूँ। डायल सेटिंग्स में आप जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके डिस्प्लेस ऑलरेडी मौजूद हैं। आप कोई भी डिस्प्ले अगर इसका लगाना चाहें जैसे कि ये, तो आप इस वॉच का डिस्प्ले ईजीली लगा लेंगे इस वॉच के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर अपना कोई कस्टमाइज डिस्प्ले लगाएं तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है। आप अपनी इसकी कस्टम वॉच फेसेस में जाके आप इसका अपना कस्टमाइज डिस्प्ले भी लगा सकते हैं। अच्छा भाई, अभी मैंने एक डिस्प्ले इसका लगाया है, तो इसमें बहुत से बहुत एक मिनट लगेगा आपको इसकी डिस्प्ले लगाने में, तो आप थोड़ा सा सब्र रखिएगा और इसका वॉच का डिस्प्ले चेंज हो जाएगा। जब तक हम वॉच के लेफ़्ट साइड पर देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्विक बटन दिया गया है जिससे आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्विक मेन्यू चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बैक बटन, यहाँ पे एक क्राउन राउंड बटन दिया गया है, और इस वॉच के साथ एक एल्पाइन लूप स्ट्रैप भी दिया गया है। तो देखें ये भाई मैंने डिस्प्ले लगा लिया था, और ये आप देख सकते हैं जो मैंने डिस्प्ले सेट किया है यहाँ पे वो डिस्प्ले भी सेट हो गया। तो इस तरीके से आपकी वॉच जो है फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन से, और आप यहाँ पे अगर कस्टमाइज डिस्प्ले अगर आप चाह रहे हैं तो कस्टम वॉच फेसेस में आके आपने यहाँ पे क्लिक करना है सेलेक्ट इमेज पे। यहाँ पे एल्बम में जाने के बाद जैसे कि मैंने ये पिक्चर ली है, और यहाँ पे आपने फिनिश का बटन दबा देना है। अच्छा, यहाँ पे इसके कलर्स हैं जो कि टाइमिंग और डेट के कलर्स हैं, आप जो भी चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से भी जो कलर चाहें आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर ब्राइटनेस का भी ऑप्शन दिया गया है, ब्राइटनेस कम तेज अपनी मर्ज़ी से जो कलर आप चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मेरे खास से ये एप्लीकेशन में, अच्छा वापस आ जाते हैं यहाँ पे, और डायल्स में आने के बाद, कस्टम में आने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट इमेज कर लेते हैं, जैसे कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली है यहाँ पे आके, और फिनिश पे हम क्लिक कर देंगे। अच्छा, नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको बता रहा है कि अपर लेफ़्ट में करना है आपको ऑप्शन, बॉटम लेफ्ट पे करना है, जहाँ पे भी करना है आप, ये आप देख सकते हैं ये आपके टाइमिंग जो है नीचे आ जाएंगी। अगर आप ऊपर चाहें तो आप ऊपर भी रख सकते हैं इसको, अगर हम बॉटम राइट पे चाहें तो यहाँ पे भी आ जाएगी। अच्छा, ये मैंने कस्टम डिस्प्ले लगा दिया है यहाँ पे, और अगर हम सेव करेंगे इसके अंदर तो वही इसके अंदर तकरीबन आपको 100% तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ये वॉच का जो वॉलपेपर है कस्टम वो सेट हो जाएगा। अगर आप कोई भी अपनी इमेज गैलरी से चाह रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि यार मैं एप्पल का लोगो लगाऊं
और ये सारी चीज़ें भी लगाऊँ तो ये आप ये लोगो डाउनलोड करके यहाँ पे भी आप इसके डिस्प्ले में लगा सकते हैं। बहुत आसानी से इसकी वॉच की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। QR नॉर्मली मोबाइल के अंदर भी दिया वॉच के अंदर भी दिया जाता है, और जबकि हमारे पास जो एक बुक दी जाती है मैनुअल उसके अंदर भी दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 100% होने वाली है, और मैंने कस्टम डिस्प्ले लगाया था। ये देखें आप, ये कस्टम डिस्प्ले इसका सेट हो गया। तो भाई क्या कमाल की चीज़ है। अच्छा, जहाँ तक अगर बात करें इसके लाउड स्पीकर की, तो यहाँ पे जो लाउड स्पीकर दिया गया है, मैं आपको स्पीकर का साउंड भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। ये देखें आप, तो भाई इसके अंदर ये देख सकते हैं आप लाउड स्पीकर भी काम कर रहा है। जब कॉल आएगी तो यहाँ पे आपकी आवाज़ भी आ जाएगी। तो बड़ी ज़बरदस्त वॉच बनाई गई है ये, और ये देख सकते हैं आप। अगर आप इसकी कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने इसके कंप्लीट फंक्शंस के अंदर बताए गए हैं, तो हमारी वेबसाइट हमारे पेज SBFit पे जाएं यूट्यूब पे, और जाके आप नीचे डाउन करें तो आपको इस वॉच की W68 की कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।